चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कम से कम इन 8 जिलों में जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे, एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर भाजपा का कैंडिडेट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा अग्निवीर को लॉन्च किया तो ज्यादातर खतौली, मुजफ्फरनगर, शामली, लोनी और मथुरा जैसे इलाकों में बहुत सारे नौजवान भारतीय सेना की तैयारी करते हैं और अग्निवीर को लेकर के उनके दिन में कहीं ना कहीं एक भय या शशंका दिल में आ गई, जिसको लेकर उनके अंदर बीजेपी के लिए नाराजगी बनी। इलाका बड़ा जरखेज है, यहाँ की जमीनें बहुत उपजाऊ हैं, बहुत तेजी से फसल उगती है, ऐसे ही लोगों की विचारधारा भी बहुत तेजी से बदलती है। वो बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि सद्भावना को किन लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की है और उसमें कई आंदोलन भी हुए, उन आंदोलनों में भी एक सकारात्मक भूमिका निभाई। सीसीए में आपका स्वागत है। हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में, जिसके नतीजे 13 मई को आए थे, उन चुनाव नतीजों को काफ़ी मीडिया के काफ़ी बड़े सारे चैनल्स ने इस तरीके से प्रदर्शित किया कि बीजेपी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर काबिज है। लेकिन, और ये बात सच भी है कि जो 17 मेयर की सीटें हैं वो 17 की 17 भाजपा जीती हैं। जो बड़े शहरों में जो मेयर की सीटें होती हैं वहाँ पर भाजपा जीती हैं, लेकिन वहीं छोटे कस्बों में और जो नगर पंचायतों में उसी वक्त उसी के साथ जो चुनाव हुए थे और उसी के जो नतीजे आए थे, वहाँ पर भाजपा का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं नज़र आता है। ये बात भी सच है कि अगर आप पूरे यूपी में देखें तो पिछली बार भाजपा नगर पालिकाएँ जो थी उसमें 70 चेयरमैन जीती थी, इस बार वो 89 हो गया है, और नगर पंचायत अध्यक्ष जो जीती थी वो पिछली बार 100 जीती थी, इस बार वो 191 हो गया। तो ये बात सच है कि पिछली बार से उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर रही है इस स्तर पर भी। लेकिन इसी नतीजे को हमको थोड़ा सा और बारीकी से देखने की ज़रूरत है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सीसीए काम भी करता है और आप पर आपके पास लगातार यहाँ की खबरें लाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ पर हमने बड़े दलित आंदोलन और बड़ा किसान आंदोलन और अग्निवीर के खिलाफ भी यहाँ पर बड़ी बड़ी पंचायतें देखी हैं, यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के नतीजों का एक रिवर्सल हमने देखा था, जो एक बहुत बुरी परफॉर्मेंस यहाँ 2022 के विधानसभा चुनाव में देखी थी, लगभग वही नतीजे पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस गन्ना बेल्ट में आपको फिर देखने को मिलेंगे, जिस पर कोई यहाँ मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया अक्सर बात नहीं कर रही है। इसको हमें और समझने की और गहराई से समझने की ज़रूरत है कि 2013 के यहाँ पर मुजफ्फरनगर में और शामली ज़िले में यहाँ 2013 में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था और उसके बाद से भाजपा की 2014 के लोकसभा के बाद से बहुत अच्छे यहाँ पर चुनावी नतीजे आने लगे और भाजपा का उस, कई लोग कहते हैं कि उस दंगे की ही देन थी जिसकी वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में और बाकी उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की बढ़ोतरी हुई, कहीं ना कहीं उन्होंने राज्य को काबिज किया। लेकिन अभी इस किसान आंदोलन के बाद और उससे पहले जो दलित आंदोलन हुए थे, 2022 में जो विधानसभा नतीजे आए थे, वहाँ पर भाजपा का इस गन्ने बेल्ट में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रहा। ये और लगभग उसी का ही एक रिपीट हम इस बार भी इस नगर निकाय चुनाव में इन ज़िलों में देख रहे हैं। कम देखा गया है कि जो एक दंगे के बाद और इतने बड़े दंगे के बाद जो एक ध्रुवीकरण होता है उसका रिवर्सल इतनी जल्दी एक दशक में इस हद तक आप देख पाते हैं। शायद ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की गन्ने की मिठास है या क्या है, किसी और विशेषज्ञ को इस पर आके और अध्ययन करने की ज़रूरत है। लेकिन इन्हीं चुनावी नतीजों के बारे में, खासकर कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो चुनावी नतीजे रहे हैं, इस गन्ना बेल्ट में जो चुनावी नतीजे रहे हैं, उसके बारे में और गहराई से हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शकीब आलम। शकीब एक टीचर भी हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, हर सीट पर उत्तर प्रदेश की बहुत करीबी से इनकी नज़र रहती है। शकीब, सीसीए में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2013 में जो यहाँ पर दंगा हुआ था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर और शामली ज़िलों में खास करके, उसके बाद से जहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खास करके यहाँ की गन्ना बेल्ट में जो भाजपा इतनी मज़बूत नहीं होती थी, उसके बाद से उनके चुनावी नतीजे काफ़ी यहाँ पर बदलने लगे, बहुत भारी मेजॉरिटी से यहाँ सीटें जीतने लगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खास करके अभी अगर हम विधानसभा के नतीजे देखें, तो खास करके गन्ना बेल्ट में और दंगा पीड़ित इलाकों में भी बहुत भाजपा को बहुत बड़े सेटबैक्स देखने को मिले। क्या इसी चीज़ का ही एक रिपीट आप फिर से इस बार नगर निकाय के चुनाव के नतीजों में भी देख रहे हैं? क्योंकि मीडिया ने तो एक तरफ बड़े शहरों में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी जो 3 जगह जो मेयर के जो चुनाव होते हैं,
उसमें मेरठ, सहारनपुर और गाज़ियाबाद, ये तीन बड़े शहर हैं, इनमें तो बिल्कुल एक तरफा भाजपा जीती है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी अगर हम नज़र फेरें और छोटे कस्बों की तरफ आएं तो शायद नतीजे कुछ अलग लग रहे हैं। आप उसके बारे में, आपको क्या लग रहा है? लेकिन उनको इसमें चुनाव को लेकर, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की स्थिति एकदम उलट है। चुनाव से पहले लग रहा था कि बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसका एक मुख्य कारण ये भी रह सकता है कि यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग न्यूज चैनल और इन चीजों से इतना अपने आप को समाहित नहीं कर पाते हैं जितना बड़े शहरों में कर पाते हैं। और जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो एक, उनका जो सिर्फ एक सेगमेंट को देख पाते हैं, वो ओवरऑल पूरे को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब अगर सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद की नगर निगम देखें तो उसमें बीजेपी थोड़ा बहुत लग सकती है, लेकिन इसके बाद होने वाले जो नगर निगम की महत्वपूर्ण इकाई होती है जिसमें नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत होती है, आमतौर पर देखा यह भी जाता है कि जो नगर पालिका होती है, नगर पालिका भी दो तरह की होती है, एक ए बी ए नगर पालिका मानी जाती है और बी नगर पालिका। ए नगर पालिका वो नगर पालिकाएं होती है जिसमें पोलिंग 50,000 से कम होता है, और दूसरी बड़ी नगर पालिकाएं होती है जिसमें 50,000 से ज्यादा का पोलिंग होता है। जैसे हम मोटा माटी तौर पर देखें, जैसे मुजफ्फरनगर हो सकता है, खतौली हो सकता है, शामली हो सकता है, साहिबाबाद हो सकता है, इवन के लोनी, इन इन सभी में जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, इनमें इक्का दुक्का में तो हो सकता है कि बीजेपी जीती है, लेकिन ज्यादातर पर गठबंधन या फिर दूसरे उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। या स्वतंत्र उम्मीदवार भी बहुत और जीते हैं। हाँ, बहुत बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो आजाद चुनाव लड़ रहे थे बिना किसी पार्टी के, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा रही है। इसके अलावा यहाँ पर गठबंधन एक बड़ी चूक कर गया, बड़े गठबंधन ने ये किया कि बहुत सारी सीटें उन्होंने खाली छोड़ दी क्योंकि वहां पर टिकट के दावेदार ज्यादा थे, और आमतौर पर पार्टियां निकाय चुनाव को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेती हैं जितना उनको लेना चाहिए होता है। तो ये भी रही है कि जो कई 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 जगह ऐसी रही है जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन वो निर्दलीय उम्मीदवार कहीं ना कहीं गठबंधन से ही अटैच हैं कई जगह। लेकिन ये भी देखा है शकीब कि एक्चुअली कहने के लिए गठबंधन है, लेकिन कई जगह ये भी देखा है कि एक तरफ रालोद ने भी अपना कैंडिडेट दिया, एक तरफ सपा ने भी अपना उसी जगह कैंडिडेट दे दिया है, और एक तरफ हमने ये भी देखा है कई सारी सीटों पे, ये भी देखा था कि या फिर आज़ाद समाज पार्टी ने भी कैंडिडेट दिया है और साथ में सपा ने भी कैंडिडेट दे दिया है ये एक्चुअली। और कुछ सीटों में आप ये भी देख रहे हैं कि गठबंधन का वोट उस तरीके से स्प्लिट भी हुआ है, एक से ज़्यादा कैंडिडेट जहाँ पर आ गए हैं गठबंधन के ही, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इशारा करता है गठबंधन की खामियों पर। लेकिन मैं अभी, अगर हम जिला वाइज भी जाएं तो सबसे पहले अगर हम बात करें ज़िला गाज़ियाबाद की, जो कि मतलब बीजेपी का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, विधानसभा में अक्सर बोला जाता है कि गाज़ियाबाद की सीट बीजेपी के लिए रिजर्वड है, वहाँ किसी को और पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो चारों की चारों, यहाँ पर चार नगर पालिकाएँ हैं, चारों की चारों बीजेपी जीती थी। इस बार गाज़ियाबाद में बीजेपी सिर्फ एक सीट जीती है, और ये अगर आप देखेंगे किसान आंदोलन का भी अगर हम असर की बात करें तो गाज़ियाबाद में इसका इतना असर देखने को नहीं मिला विधानसभा में। गाज़ियाबाद में अगर हम देखेंगे तो बीजेपी का काफ़ी अच्छा, गाज़ियाबाद विधान, गाज़ियाबाद ज़िले में जो सीटें आती हैं उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन यहाँ पर, और इसको भी ध्यान रखा जाए कि ज़्यादातर जैसे आपने कहा छोटे कस्बे या शहर हैं, मतलब उस तरीके से ये बिल्कुल ग्रामीण इलाकों की भी हम बात नहीं कर रहे हैं जो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, उसमें गाज़ियाबाद में चार में से तीन सीट नगर पालिका में हारना, और नगर पंचायत अध्यक्ष की अगर बात करें तो उसकी भी चार सीटें हैं, उसमें एक भी अध्यक्ष भाजपा को नहीं मिला है इस बार गाज़ियाबाद से। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? गाज़ियाबाद आमतौर पर बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह खुद एक बार एमएलए एमपी रह चुके हैं गाजियाबाद से, अब इतना बड़ा नेता बिना किसी गढ़ के तो चुनाव लड़ेगा नहीं, ये बात साबित करती है। और वीके सिंह भी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो ये चीजें तो पूरी तरह हो जाती हैं कि ये गढ़ बीजेपी के लिए माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव, पिछले किसान आंदोलन और लगातार चलती हुई अलग अलग आंदोलन जो लोगों के आपसी सद्भाव के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके बाद बीजेपी की यहाँ जमीन बहुत ढीली हो चुकी है। अब वो चीज़ पहले जैसी चीज़ें इतनी आसान बीजेपी के लिए नहीं रही हैं, हालांकि गठबंधन ने कई गलतियां की हैं लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन ने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर साबित किया है। इसके अलावा ये जो आते हैं कुछ स्थानीय उम्मीदवार, स्थानीय उम्मीदवारों को भी बहुत वोट, अच्छा खासा वोट मिला है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि देखिए कि गठबंधन की खामियों के बावजूद भी, चाहे गठबंधन नहीं भी जीत रहा, कई जगह जहाँ गठबंधन के कैंडिडेट हैं वहाँ पर भी स्वतंत्र उम्मीदवार जीते हैं, तो इससे मतलब। लेकिन भाजपा ने हर जगह, जैसे आपने कहा कई जगह गठबंधन के कैंडिडेट्स नहीं थे, खासकर कि बागपत और बाकी जगह, उस पर हम बाद में आएंगे, सहारनपुर में भी,
लेकिन जहां गठबंधन के कैंडिडेट्स नहीं हैं उसके बावजूद भी मतलब भाजपा का लगभग हर जगह कैंडिडेट है, एक भी सीट कम से कम इन 8 जिलों में जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे, एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर भाजपा का कैंडिडेट नहीं था इस पर। और तो अगर कोई स्वतंत्र उम्मीदवार भी जीता है तो वो भाजपा को हरा के जीते हैं। अगर आप ये भाजपा को देख, हरा के जीता है। और इसमें मैं एक और चीज़ आपको छोटी सी, ये भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है कि ये भी बोला गया था कि किसान, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस पूरे गन्ना बेल्ट की अगर हम देखें तो मुख्य रूप से योगी के आने के बाद दो बड़े यहाँ पर आंदोलन हुए हैं, एक दलित आंदोलन, एक बड़ी खास करके सहारनपुर मुजफ्फरनगर उस बेल्ट में इसका एक बड़ा ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला, मेरठ में भी कुछ हद तक, शामली में। लेकिन उसी के साथ साथ एक और जो बड़ा आंदोलन हमने देखा है वो है किसान आंदोलन, और इन दोनों आंदोलनों का कहीं ना कहीं जो असर चुनावी नतीजों पर भी हमको देखने को मिला था विधानसभा में। लेकिन इसमें एक बात जो बार बार निकल कर आई थी कि अरे लेकिन जो किसानों में तो यहाँ पर जाटों के अलावा भी बहुत सारी जातियाँ हैं, चाहे उसमें गुजरों, हिंदू गुजर, मुस्लिम गुजर दोनों, या फिर छोटे किसान भी दोनों जो हैं जैसे सैनी, छोटी किस खेती करते सैनिक हैं, कश्यप कश्यप, उनके खैर छोटी मात्रा में उनकी ज़मीन आमतौर पे लैंड होल्डिंग्स उनकी छोटी हैं। लेकिन ये एक निंदा भी यहाँ पर हुई थी कि राष्ट्रीय लोकदल इन जातियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। इधर अगर लेकिन इस बार हम देखें तो अभी पीछे खतौली में जो उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, मुजफ्फरनगर ज़िले के खतौली में, वहाँ पर एक बहुत बड़े गुजर नेता राष्ट्रीय लोकदल से जीते थे, मदन भैया, और वो एक्चुअली हैं लोनी से, वहाँ से चुनाव लड़े थे। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि अगर आप देखें तो लोनी में भी बीजेपी यहाँ पर एक बहुत बड़े मार्जिन से हारी है, और यहाँ पर गुजर वोटर भी भारी संख्या में, हिंदू गुजर भी, और जो रिपोर्ट्स आई हैं ग्राउंड से ज़्यादातर यही बोला जा रहा है कि हिंदू गुजरों ने भारी संख्या में यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के जो उम्मीदवार यहाँ पर थे रंजीता धामा जी, उनके पक्ष में वोट किया है। इसको आप, इस शिफ्ट को आप कैसे देखते हैं? और जबकि रंजीता धामा जी खुद एक जाट रंजीता धामा कैंडिडेट हैं, गुजर नहीं हैं। गुजर नहीं है, जैसा आपने भी बताया, किसान आंदोलन, दलित आंदोलन और इसके अलावा चलने वाले छोटे छोटे सेमिनार्स, जिन्हें हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वो समांतर आंदोलन है, बड़े जी आंदोलनों के समांतर छोटे छोटे आंदोलन जो गली मोहल्लों में, छोटे गांवों में चले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा अग्निवीर को लॉन्च किया तो ज्यादातर खतौली, मुजफ्फरनगर, शामली, लोनी और मथुरा जैसे इलाकों में बहुत सारे नौजवान भारतीय सेना की तैयारी करते हैं, और अग्निवीर को लेकर के उनके दिन में कहीं ना कहीं एक भय या शशंका दिल में आ गई, जिसको लेकर उनके अंदर बीजेपी के लिए नाराजगी बनी। और उसकी नाराजगी का ही एक बड़ा नतीजा ये रहा है कि रंजीता धामा लोनी नगर पालिका से, जो बीजेपी के लिए एक अच्छा बड़ा गढ़ माना जाता था, क्योंकि बीजेपी के पास में सिटिंग एमएलए भी वहां से बीजेपी का है और वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बीजेपी का है, इसके बावजूद एक बड़े अंतर से राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार चुनाव जीत रही। अग्निवीर की नाराजगी, इसी के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश की, उस प्रदेश सरकार में कोई भी भर्ती ज्यादातर पूरी नहीं हो पा रही है, लगातार पर्चे लीक होते हैं या फिर भर्तियों की डेट आगे बढ़ा दी जाती है, या फिर और भी कई एलिगेशन होते हैं। जैसा कुछ दिन पहले यूपी टेट को के बाद में जब शिक्षकों की भर्ती हुई थी 2019 में, ये लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, लोकसभा आम चुनाव के बाद में, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि योग्य उम्मीदवार आए तो हम उनको वोट दें, योग्य उम्मीदवार आए तो हम उनको नौकरी दें। तो इस बात को लेकर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं में काफी नाराजगी थी भाजपा को लेकर। उनका मानना यह था कि हमने पहले 10th करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, बीएड की डिग्री लेते हैं, और अब मुख्यमंत्री हमको कह रहे हैं कि हम योग्य नहीं है, तो उस चीज की नाराजगी को भी अब उन्होंने वोट से जवाब देने की कोशिश की है। हालांकि कई जगह ऐसा भी हुआ कि बीजेपी चुनाव जीती है, लेकिन जो बीजेपी चुनाव जीती है वहां पे लोकल कैंडिडेट्स का भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलता है। जैसा जी, शामली नगर पालिका, नगर जो ए ग्रेड की पालिका नगर पालिका मानी जाती है, क्योंकि वहां पर 50,000 से ज्यादा वोट है, लगभग 80-90 हजार के आसपास का वोट जी, शामली में होता है। अब उसमें पिछली बार बीजेपी अपनी सीट हार जाती है गलत नीतियों के कारण, लेकिन इस बार बीजेपी वहां जीत रही है, तो उसका कहीं ना कहीं एक खेमा ये भी आता है, एक ओपिनियन ये भी लोगों का मानना है कि अरविंद संगल शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके स्कूल चलते हैं, लोगों के पर्सनल अटैचमेंट है, तो बीजेपी की जीत से ज्यादा वहां व्यक्तिगत जीत आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन ये भाजपा को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि
मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको पर कांगड़ा का, शामली की भी जिस शामली दिन की आप जिले के ही बात कर रहे का, हैं वहां पर भी वो सिर्फ 3,000 वोटों से ही जीते हैं, इतनी बड़ी जीत नहीं है जहां तीन पर हजार बहुत से जीत कोई बड़ी जीत अच्छा नहीं खासा है। काम। बहुत ही स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं नगर पालिका और नगर निकाय के, तो बिल्कुल कि स्थानीय जो उम्मीदवार है उसका भी एक अपना असर होता है पार्टी लाइन से ऊपर। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जोड़ूंगा जो मुझे बिल्कुल आपकी ये बात क्यों बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि लगभग 2013 के दंगे के बाद हम यहाँ पर देख रहे थे कि बहुत सारे लोग वोटर जो थे, चाहे वो जिला पंच चाहे वो सांसद का चुनाव हो, सांसद जितना बड़ा चुनाव हो, या फिर विधायकी का चुनाव हो, या फिर बहुत ही स्थानीय स्तर के चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो या फिर अभी नगर निकाय के चुनाव हो, वो पूर्णतः रूप से बहुत बड़ा एक ऐसा वोटर तैयार हो गया था जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का सिंबल देखने लगा था। और कहीं ना कहीं उस ट्रेंड में भी अब हम एक रिवर्सल देख रहे हैं कि स्थानीय चुनाव में चाहे वो इंसान लोकसभा में फिर जाके भाजपा को चाहे वोट कर ले, लेकिन स्थानीय चुनाव में अब वो सिर्फ भाजपा का सिंबल देखकर वोट नहीं कर रहा है। निकाय चुनाव को उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जाता है। इससे पहले चुनाव जितने चुनाव हुए हैं, 2017 का चुनाव तो खैर विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था, और इत्तेफाक ये रहा कि इस बार भी विधानसभा चुनाव के लगभग 1 साल बाद, 1 या 1.5 साल बाद, 1 साल से ज्यादा का समय हुआ है उसके बाद हो रहा है। लेकिन 2012 का चुनाव और उससे पहले 2006 का चुनाव, उससे पहले सन 2000 का चुनाव, ये कहीं ना कहीं जैसा रिजल्ट हमको निकाय चुनाव में देखने को मिलता था वही चीजें नजर आती थी विधानसभा चुनाव में। थोड़ा बहुत अंतर हो जाता था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव सामने नहीं है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव सामने है। तो ज्यादातर लोगों का जो रुझान एक बार बन चुका है कि बीजेपी को हराने के लिए अलग अलग सीट्स पर जो भी उम्मीदवार उनको बीजेपी को हराने की पोजिशन में दिखा है उसी को वोट देकर उन्होंने बीजेपी को हराने की कोशिश की है, और इस उसमें पर ज्यादातर कामयाब भी हुए हैं। मैं आपको लेकिन यहाँ रोकूंगा, ये मैं बहुत स्पेसिफिकली पश्चिम यूपी के गन्ना बेल्ट की बात कर रहे हैं, पूरे यूपी की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरे यूपी में बीजेपी का मैं बाय एंड पश्चिम लार्ज यूपी के बारे में ना बताने की बस बस कोशिश कर बस रहा मैं हूँ। अपने दर्शकों के लिए क्लियर कर रहा था कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ पर बड़े आंदोलन हुए हैं और कहीं ना कहीं उसका चुनावी नतीजा आज भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पूरे यूपी में पिछले नगर निकाय चुनाव के मुकाबले बीजेपी की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, वहीं पश्चिम यूपी में या तो बिल्कुल एक ही जगह स्थगित हो गए हैं या उससे और भी खराब हुआ है उनका पिछली बार की जगह। थोड़ा अगर बड़ा भी है तो कई सारी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में घटा भी है, उस पर हम बात करते हैं। यही जो आप कह रहे हैं कि अभी मैं ये अगर हम बागपत की तरफ जाएं तो बागपत में आप देखेंगे कि खेकड़ा की जो नगर पालिका है उसके अलावा चाहे यहाँ पर नगर पालिकाएं और साथ में नगर पंचायत मिला के लगभग 9 सीटें बनती हैं, 3 नगर पालिकाएं हैं, इसमें भी अगर हम देखेंगे कि और नगर पंचायत में एक भी सीट पर गठबंधन ने अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं दिया, ये अक्सर रालोद यहाँ पर बागपत में करती आई है क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हीं की पार्टी के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो चुनाव ता लड़ते इन हैं। फाइटिंग ना हो तो इसलिए कई जगह वो नहीं देते हैं सिंबल, खास करके नगर पंचायतों में, अब नगर पालिकाओं में देना शुरू किया है नगर पंचायत को जी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर सारी की सारी सीटें बीजेपी हारी है, सिर्फ एक नगर पालिका में खेकड़ा की सीट जीती है। आप यहाँ तक ये देखिए कि बड़ौत जैसी सीट भाजपा बड़ौत जी 11,000 वोटों से हारी है, एक नगर पालिका चुनाव जो कि मतलब शामली से भी बहुत छोटा है वोटिंग के आधार पर अगर हम देखें, वहाँ 11,000 के मार्जिन से भाजपा यहाँ हारी है, और ऐसा नहीं है कि भाजपा चुनाव है। चुनाव हारी है, तो ये डेफिनेटली, और ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के अगर हम देखें गढ़ जो इलाके थे जो उसमें से एक बागपत भी था, और उसका जो विधानसभा में चाहे 3 में से 2 सीटें बागपत की जीतती है भाजपा, और एक सीट मतलब जिसमें बड़ौत की सीट है वो सिर्फ कुछ 300-400 वोटों से ही जीती थी, उस पर भी बहुत एक कंट्रोवर्सी हुई है कि कितना उसमें, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे फिलहाल। लेकिन उसी बड़ौत को अभी ये शहरी इलाके को ये 11,000 से हार रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन से जो एक नाराजगी शुरू हुई है वही आप कह रहे हैं अग्निवीर पर बात आई है, तो क्या बढ़ते 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 क्या वो नाराजगी बस अब बढ़ती ही जा रही है? बात तो शुरू हुई थी अग्निवीर से और किसान आंदोलन से, जो नाराजगी थी भाजपा को लेकर। अब चूंकि बड़ौत एक व्यापारियों का शहर भी माना जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2-3 जिले ऐसे होते हैं, और ये ऐसा कस्बा शहर होता है जो हरियाणा के सोनीपत जिला और पानीपत जिला को भी अपने उनके बॉर्डर व्यापार करता का केंद्र भी बनता, बॉर्डर है करता है और उसका केंद्र बनता है। बीजेपी की
जीएसटी में जो स्लैब्स को बढ़ाया गया उसको लेकर भी बड़ौत का व्यापारी भाजपा से नाराज था, जिसकी नाराजगी उसने निकाय चुनाव में और इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी दिखाने की कोशिश की थी। अब वो भाग्य की बात है कि थोड़े बहुत 100-150 वोटों से अगर गठबंधन का उम्मीदवार हार रहा है, ये कहीं ना लेकिन कहीं ये भी भाग्य भी हो इंटरेस्टिंग जाता है। है कि लेकिन पहली बार, सॉरी मैं आपको रोकूंगा, बड़े सालों के बाद ये पहली बार हुआ था कि बड़ौत की विधानसभा में भी अगर आप ब्रेक डाउन करें चुनाव के नतीजों को, तो ये पहली बार हुआ था कि शहर का वोट रालोद को भाजपा से ज्यादा मिला था। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है वहां पर भी। बिल्कुल 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 ऐसा ही हुआ है। तो जो बीजेपी की डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी और उसके बाद में उसके आने वाले, देखिए डिमोनेटाइजेशन के बाद में तो इतना लोगों को पता नहीं था कि इसके बैड इम्पैक्ट क्या क्या आएंगे। तब नई हालांकि नई जो बड़े सरकार जीती अर्थशास्त्री भी नहीं है होते जब थे, ये हाई पर थे मोदी हाँ जी। नई नई सरकार हाई पर थे और लोगों को समझ बाद में आती है। आमतौर पर माना जाता है कि पश्चिम के लोग ना तीन बुद्धियों पर विश्वास करते हैं। पहली बुद्धि होती है आगम बुद्धि, जो भविष्य का सोच लेती है, जैसे जिस तरह के अर्थशास्त्री होते हैं। एक होती है तुरंत बुद्धि, जो तुरंत सोचती है, डिसीजन लेती है। एक होती है पाचम बुद्धि। बीजेपी ने इस तरह का माहौल बनाया कि पाचम जितनी बुद्धि यो भी इलाका समझा दीजिए आगम हमारे बुद्धि और दर्शकों तुरंत के लिए, बुद्धि, एक सेकंड, पाचम बुद्धि भी समझा दीजिए क्या होती है हमारे दर्शकों के लिए। हाँ पाचम बुद्धि वो होती है जब नुकसान होने के बाद में अकल आती है, इन काम करना नहीं चाहिए था, ये कैसे हो गया, उसे पाचम बुद्धि कहते हैं। आमतौर पर गोदी मीडिया और दूसरे लोगों ने एक फेक न्यूज चलाकर या फिर एक प्रोपगेंडा चलाकर लोगों की मति को हड़ा। जो आगम बुद्धि और तुरंत बुद्धि थी उसको उन्होंने हड़ लिया और सिर्फ पाचम बुद्धि छोड़ दिया। लेकिन ये इलाका बड़ा जरखेज है, यहाँ की जमीनें बहुत उपजाऊ हैं, बहुत तेजी से फसल उगती है। ऐसे ही लोगों की विचारधारा भी बहुत तेजी से बदलती है। वो बहुत अच्छी बहुत तरह बहुत समझ गए थे कि बात सद्भावना बोल को किन लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की है, और उसमें कई आंदोलन भी हुए। उन आंदोलनों ने भी एक सकारात्मक भूमिका निभाई, जिसमें किसान आंदोलन जो भारतीय किसान यूनियन का था, या फिर सहारनपुर से उठने वाली दलितों की आवाजें, उस चीज को लेकर भी, और साथ ही साथ जो मुस्लिम्स और जाटों के बीच एक खाई थी वो भी बहुत तेजी से पटी है। और यही कारण रहा है कि पिछले कई चुनाव लगातार बीजेपी ने बड़ौत में जीते हैं। कैपी सिंह मलिक जीते, उनकी एक सरला मलिक चुनाव जीती, लेकिन इस बार परिणाम बिल्कुल इससे भी खिलाफ रहे, क्योंकि जो उलट। पाचम बुद्धि बन चुकी थी वो कहीं ना कहीं तुरंत बुद्धि या आगम बुद्धि की तरफ परिवर्तित हो रही है। अगर हम शामली और मुजफ्फरनगर जिलों को देखें, और ये बिल्कुल भाजपा जहां पर 2013 के दंगे हुए थे, जो बिल्कुल मतलब उस सांप्रदायिक हिंसा का जो केंद्र था, वहां पर अगर आप देखते हैं तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में भी शामली के तीन की तीन सीटें हारी थी, और बिल्कुल मुजफ्फरनगर जिले की 6 में से 4 सीटें हारी थी, और पांचवी भी उपचुनाव में हार गई। तो ले देकर सिर्फ शहर की सीट वो जीतती है। अगर अब हम देखें तो शामली में भी ले देकर भाजपा सिर्फ और सिर्फ शामली शहर की नगर पालिका जीतती है। कांदला भी हारती है, कैराना भी हारती है, और सारी लगभग नहीं, और मैं उससे मैं माफी चाहूंगा, और एक और जिंजाना की सीट वो 24 वोटों से जीतती है। उस पर भी एक बड़ी जी कॉन्ट्रोवर्सी है, क्योंकि वो बहुत देर तक कंट्रोवर्सी कॉन्ट्रोवर्सी है, चुनाव पोस्टल बैलेट्स को नतीजों को लेकर। देर रात तक रोका गया है। जी, और वो चुनाव बहुत देर रात तक, सारे नतीजे घोषित हो गए थे, सिर्फ झंझाना देर रात तक चल रहा था। उस पर बहुत लोगों ने मैल जिंजाना प्रैक्टिसेस के उस पर आरोप लगाए, पर खैर उस पर अभी हम ना ही जाएं। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ले देकर कन्विंसिंगली सिर्फ अपना शामली की सीट जीत रही है। और शकीब, एक्चुअली अगर हम देखें तो जो राष्ट्रीय लोकदल के जो उम्मीदवार थे यहाँ के कांदले से, बाबू फैजल, उनको भी अच्छे खासे कुछ लगभग 5,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5,000 मुसलमानों से ने, ज्यादा वोट। हाँ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का एक तरफा वोट आया है, मुसलमानों के भी वोट बटे हाँ हैं और बिल्कुल एक्चुअली हिंदुओं के भी वोट बटे हैं। और ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि जो पोलराइजेशन या जो ध्रुवीकरण उस दंगे के बाद हुआ था, कम से कम ये पता नहीं पश्चिमी यूपी के गन्नों की मिठास है या क्या है, लेकिन वो ध्रुवीकरण बहुत जल्दी या जिस रफ्तार से हम उसको बदलते हुए देख रहे हैं, देश के शायद बहुत ही कम ऐसी इलाकों में हमने इतने बड़े दंगे के बाद इस ध्रुवीकरण को रिवर्स होते हुए देखा है। मैं आपसे क्षमा मांगते हुए आपको इस चुनावी चर्चा के अलावा एक मुद्दे की तरफ ले जाना चाहूंगा। कांदला में एक होते थे प्रोफेसर गुरदास अग्रवाल, जी जो इंडिया की अलग अलग आईआईटी में उन्होंने टीचिंग की है, उनको पढ़ाया है इंजीनियर्स को। रिटायरमेंट के बाद में प्रोफेसर गुरदास अग्रवाल, जो कांदला के रहने वाले थे, उन्होंने संन्यास ले लिया और उन्होंने गंगा की स्वच्छता के लिए, गंगा को एविरल बहाने के लिए एक बड़े आंदोलन चलाए। यहाँ भूख हड़ताल उनके पर आंदोलन का भी भूख हड़ताल पर भी बैठे, और इंडिया की जो सबसे बड़ी 10 भूख हड़ताल है,
उनमें से उनकी भी एक बड़ी भूख हड़ताल है जो शायद 45 दिन के आसपास चली थी, लेकिन जैसा बिहार केंद्रीय सरकार ने उनके साथ किया, उनका जबरदस्ती अनशन तुड़वाना, हॉस्पिटल में उनके साथ लापरवाही होना, उस लापरवाही हॉस्पिटल में की गई लापरवाही की वजह से ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, इस बात की नाराजगी भी इन जिलों में भाजपा को नुकसान पहुंचाई है। और बिल्कुल लोगों का मानना तो इतना भी है, जो लोग मान रहे हैं कि ये जो स्वामी सानंद की मृत्यु हुई थी, उन्होंने शरीर त्याग दिया था, ये भविष्य में भी भाजपा को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि जी बिल्कुल शुरू में तो यार, बातों को मैनुपुलेट किया गया, इस बार से मैनुपुलेट लोग किया गया, काफी लेकिन चीजें नाराज ज्यादा थे। दिन तक छुपी नहीं होती हैं। ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, क्योंकि गाय और गंगा और इन्हीं मुद्दों पर मतलब भाजपा ने बहुत हंगामा किया था, और गंगा की सफाई, और एक्चुअली डॉक्टर अग्रवाल की जो शहादत ही मैं कहूँगा एक तरीके से, जो इतने दिनों के लिए वो भूख हड़ताल बिल्कुल पर बैठे रहे, हमारे कांधले से ही थे, और जिसकी वजह से उनकी मौत भी अल्टीमेटली हुई। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो किसी एक मुद्दे पर पहले प्रधानमंत्री जी ने उन पर ट्वीट भी किया था, लेकिन उनके बारे में कुछ उनकी तारीफ करते हुए, लेकिन ट्वीट भी किया था, और जब जब उनकी रिक्वायर में शहादत रिक्वायर हुई थी तो शायद में ही सॉरी आप क्या कह रहे थे? ट्वीट भी किया था, और 2014 के लोकसभा चुनाव की जो रैलियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में की गई थी, वहां पर भी स्वामी सानंद महाराज का नाम लिया गया, किया कई गया, बार उनकी अपने को अपने प्रेरणा बताया गया प्रोफेसर गुरदास अग्रवाल को, लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है तो कोई शोक बिल्कुल संदेश नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जब उनकी मृत्यु होती है, जब कहीं ना कहीं गंगा की सफाई के लिए शहादत देते हैं अपनी, तो हाँ कोई प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई शोक संदेश नहीं। ये इस पर यहाँ पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बिल्कुल नाराजगी थी। मैं एक और चीज़ पर अब आपका ध्यान अगर मैं लेकर जाऊँ, अगर हम शामली को भी देखें, मुजफ्फरनगर ज़िले को भी देखें, मुजफ्फरनगर ज़िले में भी अगर आप देखें तो शाहपुर में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीतता है वहाँ की नगर पंचायत, उम्मीदवार है ना। और अगर हम उसी तरीके से मेरठ की तरफ भी देखें तो मेयर के चुनाव में दूसरे नंबर पे वहाँ पर, और कई सारी और मुस्लिम बहुल सीटों की भी हम बात करें अगर, तो मेयर में दूसरे नंबर पर वहाँ पर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी नहीं है, वहाँ पर MIM है, मीम पार्टी, जो असादुद्दीन ओवैसी जिसके अध्यक्ष हैं, उसको दूसरे स्थान पर है। 9 पार्षद जीतते हैं वो लोग मेरठ से। एक और चीज़ की तरफ मैं क्यों ये आपके सामने बात रख रहा हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम बाहुल जो नगर पालिका या नगर पंचायतें भी हैं, वहाँ से भी जो जीते हैं, कई जगह गैर सपा गैर रालोद कोई इंडिपेंडेंट जीते हैं, या फिर MIM या फिर आम आदमी पार्टी भी 2-3 जगह जीती है यहाँ। ये मैं आपका ध्यान इस तरफ भी लेकर आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं कि जो एक हिंदुओं में अगर हम बोल रहे हैं, हिंदू समाज के कई जातियों में अगर एक नाराज़गी भाजपा के लिए नज़र आ रही है, और लोग जो 2013 के दंगे के बाद मान के चलते थे कि भी आंख बंद करके वहाँ वोट पड़ रहे हैं भाजपा के लिए, अगर हम उसमें बदलाव देख रहे हैं, तो जो मुसलमानों के लिए भी माना जाता था कि सपा को अपनी पार्टी एक बड़े बड़े तरीके से मानते हैं, आंख बंद करके उधर वोट करते हैं, एक वो नाराज़गी भी यहाँ नज़र आ रही है। और जहाँ जहाँ मौका लगा तो सपा के अलावा भी विपक्ष या कोई अगर सपा का कैंडिडेट नहीं पसंद आया तो उसकी जगह भी कोई दूसरा उम्मीदवार या किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ मुस्लिम रुझान इस बार नज़र आया है कई सीटों पर। मेरठ का जो इतिहास रहा है वो सभी चीजों के लिए अग्रणीय रहा है, जैसा अंग्रेजों के खिलाफ की गई क्रांति में भी इस इलाके में सबसे पहले अगर कहीं आवाज उठी थी तो एक नया इंकलाब आया था, मेरठ में आया था। अब ऐसे ही राजनीति में ज्यादातर मुस्लिम दलित इन्होंने पिछले 2-3 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में गठबंधन को वोट दिया, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन को वोट दिया, लेकिन मेरठ में इस बार ये बदलाव काफी कुछ देखने को मिला है, क्योंकि मेरठ सिटी में ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सेकंड पोजीशन पे रही है, जहां दूसरे जगहों पर यह माना जाता था कि ओवैसी की पार्टी वोट कटवाए, तो वहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी वोट कटवा के तौर पर दिखाई देती है, और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार तो अपनी जान भी नहीं बचा पाते हैं। हालांकि इन सब का नुकसान फायदा बीजेपी को मिला, और बीजेपी आसानी से मेरठ नगर निगम को जीत गई। इसी के साथ साथ में मेरठ से ठीक सटे हुआ बिल्कुल एक नगर पंचायत होती है सिवाल खास। सिवाल खास में लेफ्ट की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने बहुत शानदार जीत दर्ज की है, और इतनी शानदार जीत दर्ज की है कि उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। ना सिर्फ जमानत हुई
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 145 वोट मिले हैं। ये एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये पिछली बार ये सिवाल खास में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जो उम्मीदवार जीते हैं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेवलेशन है। और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि सीसीए की टीम ज़रूर वहाँ तक जाएगी, उसको खंगालने की और समझने की कोशिश करेगी कि क्या ये किसान आंदोलन का असर था वहाँ सिवाल खास में कि एक वहाँ पर वामपंथी कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सालों से इस बात को ध्यान रखा जाए कि चौधरी चरण सिंह अपनी ज़िंदगी में एक ही चुनाव हारते हैं, और वो चुनाव हारते हैं सीपीआई के उम्मीदवार से। तो ऐसा नहीं है कि पश्चिम यूपी में, सीपीआई ऐसा नहीं है कि पश्चिम यूपी में वामपंथ का एक इतिहास नहीं रहा है, लेकिन बहुत सालों से गायब रही है वामपंथ, और अचानक फॉरवर्ड ब्लॉक के एक उम्मीदवार जीते हैं। बुलंदशहर में थोड़ा सा सीपीएम का अभी भी, उनकी किसान सभा का कुछ असर है और वहाँ पर प्रभाव है, लेकिन उसके अलावा वामपंथ लगभग पिछले 20-21 सालों से गायब रही है यहाँ, और अचानक ये। तो इसके बारे में ज़रूर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, इसके और पता करने की ज़रूरत है। शकीब भाई, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा हम गैर शामली की अगर हम बात करें, गाज़ियाबाद की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, तो बीजेपी की बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रही है। मुजफ्फरनगर में भी अगर हम देखें तो ले देकर मुजफ्फरनगर शहर की सीट भाजपा जीतती है वहाँ पर नगर पालिका, लेकिन वहीं पर ही कोई भी, उसके अलावा जो दूसरी नगर पालिका है वहाँ खतौली की, वो भी हारती है राष्ट्रीय लोकदल से, और कोई भी नगर पंचायत वहाँ नहीं जीतती है। वहाँ पर 8 नगर पंचायतें हैं, 8ों की 8 वहाँ के अध्यक्ष जो हैं बीजेपी हारी है, जबकि पिछली बार वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नगर पंचायत में ये अध्यक्ष में ये 10, 7 में से 3 जीती थी भाजपा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि जैसे कहा था कि अगर शामली और मुजफ्फरनगर के नतीजों को अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण जो एक समाज में एक बड़े दंगे से आ जाता है, शायद अपने आप में एक केस स्टडी है ये, कि कैसे उस ध्रुवीकरण को और उस ध्रुवीकरण के नतीजे हमेशा चुनाव में नज़र आते हैं, कैसे उस ध्रुवीकरण का एक रिवर्सल हो रहा है यहाँ पर। और शायद आंदोलनों का असर है, लोगों की अपनी समझदारी का असर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको और गहराई से देखने और समझने की ज़रूरत है। देखिए, मुजफ्फरनगर का जो शहर है, सिर्फ बीजेपी वहां चुनाव जीती है। उसका एक बड़ी वजह ये भी रही है कि जो बीजेपी का वोट है वो एक जगह इकट्ठा हो गया, लेकिन गठबंधन का उम्मीदवार को अच्छा खासा वोट मिला है, कम वोट नहीं मिला है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपना एक उम्मीदवार दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार दिया, ओवैसी की पार्टी ने भी अपना एक उम्मीदवार दिया। तो ये जो विपक्ष का बिखरा हुआ है भाजपा के सामने, तो ये भाजपा की जीत की एक बड़ी वजह रही है। जबकि मुजफ्फरनगर की नगर, जितनी नगर दो वहां पे, सिर्फ मुजफ्फरनगर के अलावा सिर्फ एक नगर पालिका होती है खतौली। खतौली में बीजेपी हारी है और एक अच्छी खासी जीत हारी है, एक अच्छी खासी बड़ी हार आ रही है। इसके अलावा बुढ़ाना नगर पालिका नहीं होती है, लेकिन नगर पंचायत होती है, लेकिन वो एक बड़ी नगर पंचायत है। एक वहां पे जो वोटे हैं वो वोट लगभग एक नगर पालिका की तरह होती है। वहां बीजेपी के काफी लंबे टाइम से जीतते आ रहे हैं, जितेंद्र त्यागी को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने बहुत आसानी से चुनाव हरा दिया। और इसके बाद चरथा वाला आता है, पुरकाजी आता है, और भी कितनी चीज सीट्स आती हैं जहां पर सिर्फ मुसलमानों ने मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं, साथ में उनके साथ दलितों ने भी, और किसानों से जुड़ी हुई जो जातियां होती हैं जिसमें जाट होता है, हिंदू जाट होता है, हिंदू गुजर होता है, इवन कि हिंदू राजपूतों ने भी भाजपा को हराने के लिए अच्छे उम्मीदवार का चयन किया है। मेरठ में एक्चुअली एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अतीक अहमद, जिनके मतलब पूरी कैमरों के सामने एक बहुत ही बर्बरता से उनकी हत्या की गई थी, उनकी बहनोई मेरठ से हैं, और फिर उसके बाद जब अतीक अहमद की बहन पर जो केसेस लगे उस पर मेरठ के आम, खास करके मुस्लिम समाज में बहुत नाराज़गी थी, और दुर्भाग्यपूर्ण उसके खिलाफ सपा ने कुछ खास स्टैंड नहीं लिया, ज़्यादा बोले नहीं, लेकिन मीम से असादुद्दीन ओवैसी कम से कम उस पर लगातार बोलते रहे, और उसका असर दिख रहा है कि जहाँ आप अपने वोटर को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, बार बार उनके मुद्दों पर नज़र नहीं फेर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर तो आपको बोलना पड़ेगा ही। बिल्कुल मैं इस पर लेकिन आपसे एक, मैं अंत में एक सवाल ये ज़रूर करूँगा शकीब भाई, कि अगर हम देखें कि जहाँ शामली, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, इन सारे ज़िलों में बीजेपी की परफॉर्मेंस पिछली बार के मुकाबले या तो वहीं रही है या बहुत कम हुई है, वहीं अगर हम देखें अगर
अगर हम सहारनपुर को देखें और डिस्ट्रिक्ट मेरठ को देखें, तो यहाँ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में सहारनपुर की अगर सारी नगर पालिकाएँ और नगर पंचायत मिला लें तो ये कुल मिला के 11 हैं। इसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस पिछली बार से, जहाँ सिर्फ एक सीट जीती थी, इस बार 3 जीती है भाजपा। और मेरठ में अगर हम देखें तो 11 में से अभी भी सिर्फ 3 ही जीती है भाजपा, ये भी बात सच है, बिल्कुल मेजॉरिटी की कहीं इर्द गिर्द भी नहीं है। और मेरठ को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल 15 सीटें बनती हैं नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका और नगर पंचायत देखें अगर तो। लेकिन इसमें भी भाजपा पिछली बार एक सीट जीती थी और इस बार भाजपा का यहाँ पर भी संख्या 4 पर आ गई है। आप अगेन 15 में से सिर्फ 4 है तो क्लियरली भाजपा पूरे पश्चिम यूपी में बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दे रही है, कहीं भी मेजॉरिटी नहीं ला रही है। लेकिन यहाँ मेरठ में उथल पुथल देखने को मिल रही है, MIM को अच्छे खासे वोट्स मिल रहे हैं और भाजपा की भी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव करी है इस ज़िले में। इन सहारनपुर और मेरठ को आप कैसे समझते हैं? सहारनपुर मेरठ में इसमें समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, की संवैधानिक मुद्दों पर उनकी चुप्पी और उनका इग्नोर कर जाना, ये यहाँ के स्थानीय वोटर को नाराज करता है कहीं तो, या फिर ये भी कह लीजिए क्योंकि इसमें सरकारें, इस चुनाव से सरकारें नहीं बनती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को सबक सिखाने के लिए स्थानीय जो मतदाता होते हैं वो इस तरह के एक्शन लेते रहते हैं। बिल्कुल। और रही बात भाजपा के बाकी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा जीतने की, इसमें अगर हम शामली जिले के कैराना को देखें, जो वहां से चुनाव जीते हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय लोकदल ने वहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन अगर हम उसको आधिकारिक रूप से देखेंगे तो वो राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार नहीं माने जाएंगे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर हम उनको देखें या चुनाव की समीक्षा करें तो हमें सीधा पता चलता है कि ये राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए उम्मीदवार हैं। बागपत में भी इसके है, अलावा सहारनपुर जिले में भी बागपत में की जगह होता है, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो भाजपा तो बहुत पीछे चुनाव में रह जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें पूरे इस बेल्ट में कांग्रेस पार्टी, जैसे अभी हमने कहा कि बहुत जगह, और ये एक, इस पर मैं थोड़ी सी देर में आऊँगा, ले देकर यहाँ पर सिर्फ एक बिजनौर में कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट इन सारे ज़िलों में जीतती है, और बिजनौर में ये यहाँ पर हाँ एक नगर पालिका अध्यक्ष ये चांदपुर में जीती है कांग्रेस। तो जहाँ पर हम बात करें कि लोग विकल्प भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार हो, चाहे वो और स्थानीय चुनाव में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं लोग कि निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ भी जाएं, या फिर दो तीन तीन चार जगह यहाँ आम आदमी पार्टी भी जीती है, निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते, जैसे अपना लेफ्ट का एक उम्मीदवार भी जीता है यहाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो लेफ्ट बिल्कुल ही गायब रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पिछले 21 सालों में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कांग्रेस सिर्फ एक सीट नहीं तो कई सारी यहाँ पर ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार तक नहीं थे। और ये हम नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी जी की, वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 दिन के लिए आती है और उत्तर प्रदेश के सिर्फ 3 जिलों से गुजरती है, और वो यही 3 जिले हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, गाजियाबाद, बागपत और शामली। और तीनों ज़िलों में कई सारे एक भी सीट नहीं जीतती है, सीट जीतना तो दूर की बात, कई सारे ऐसे यहाँ पर नगर पालिका और नगर पार्षद के ऐसी सीटें हैं जहाँ पर उनका उम्मीदवार तक नज़र नहीं आता है। आप इसको कैसे आंकते हैं? देखिए, पिछले लगभग 30 सालों में कांग्रेस जितने भी अपनी जमीन तैयार करती है उस पर असल कोई और काटता है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, 2007 में यूपी के अंदर लग रहा था कि कांग्रेस अच्छा मार्जिन लगी, क्योंकि 2004 में वो बहुत लंबे टाइम के बाद केंद्र की सत्ता में आए थे, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर वो लोगों को इतनी जल्दी भुना नहीं पाए। इसके बाद में भट्टापारासोल, जो नोएडा के पास एक गांव होता है, उसमें भी राहुल गांधी का लगातार मैदान में जाना, लोगों से मिलना, लोगों में उत्साहवर्धन करना, लेकिन फायदा उसका BSP को होता है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस को कुछ न मिलने की बहुत बड़ी वजह है कांग्रेस का संगठन। कांग्रेस के या तो यहाँ संगठन है ही नहीं, अगर है तो बहुत छोटा है। नहीं, और जो आप कह रहे हैं कि बड़ा नेता, जो आप कह रहे हैं कि जिसको कहते हैं कि हवा बनाना राजनीति में, बड़ा नेता यहाँ पर आके हवा जरूर बना रहा है,
क्योंकि एक बड़ा नेता यहाँ पर आएंगे तो मीडिया भी आएगी, एक हवा बनेगी, चर्चा होती है, लेकिन असली जो मेहनत का काम है संगठन बना, असली नहीं मैं कह रहा हूँ, हर स्तर पर इम्पोर्टेंट है, हर काम राजनीति में, लेकिन जो संगठन बनाने का बहुत महत्वपूर्ण काम है उस पर कोई मेहनत यहाँ पर दिख नहीं रही है कांग्रेस पार्टी की। तो भारत जोड़ो यात्रा में भी जो एक हवा बन रही है, लेकिन संगठन निर्माण की तरफ जो एक मेहनत करने की जरूरत है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गायब लग रही है यहाँ। बिल्कुल गायब है वो, उसमें संगठन निर्माण के लिए अभी कांग्रेस को संगठनात्मक मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस कभी ऐसा काम करा ही नहीं। ये काफी लंबे टाइम से संगठन लगातार कमजोर कमजोर हो रहा है, और इसका फायदा थोड़ा बहुत जो फायदा होता है वो विपक्ष की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मथुरा सीट जहां पर ये बात जरूर है मथुरा जिले में कि भाजपा की परफॉर्मेंस अगर 2017 के नगर निकाय चुनाव देखें तो उसके मुकाबले बेहतर रही है। पिछली बार उन्होंने 3 सीटें जीती थी, यहां पर 13 नगर पंचायत हैं और 1 नगर पालिका है, उसमें भाजपा सिर्फ 1 सीट जीती है, इस बार 5 सीटें जीती है, 14 अगर सारी सीटें मिला लें 5 जीती हैं 14 में से, वो भी अपने आप में। लेकिन अगर हम देखें कि इसको अगर हम कंपेयर करें 2000 अभी जो 22 में जो विधानसभा में हुई हैं तो बीजेपी लगभग पूरे ज़िले में लगभग सारी सीटें जीती हैं मथुरा में, और इस बार यहाँ पर उसके मुकाबले बहुत स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जो हमने देखा था विधानसभा चुनाव में भी कि गन्ना बेल्ट में एक बहुत रिवर्सल देखा था जहाँ पर बीजेपी को बहुत नुकसान देखना पड़ा सीटों में, लेकिन आलू बेल्ट में उस तरह का नुकसान पश्चिम यूपी में नहीं हुआ था, वो भी थोड़ा बहुत इस बार मथुरा में नज़र आया है। शकीब आपका आपको कुछ क्लोजिंग कमेंट्स करने हैं जाने से पहले? क्लोजिंग कमेंट्स तो यही रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इन पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट में जहां पर किसान आंदोलन, दलित आंदोलन और अग्निवीर को लेकर युवाओं की नाराजगी, यहां बीजेपी लगातार कमजोर हुई है। अगर बात की जाए 2014 की और 17 की तो उसके बाद में उसके कंपैरिजन में तो लगभग बीजेपी आधी भी नहीं सकती है। और अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव 2019 और पिछला विधानसभा चुनाव, इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा पतन हुआ है। हालांकि नंबर्स गेम में थोड़ा बहुत हो सकता है कि आगे पीछे थोड़ा इसको समझ लिया जाए, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए इन गन्ना बेल्ट में तो यहाँ बीजेपी का बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है, और ये सेमीफाइनल माना जा सकता है लोकसभा चुनाव 2024 का कि भाजपा शायद इन जिलों में कोई भी एक सीट ना बचा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो खैर लोकसभा में क्या होगा शकीब ये तो पता चलेगा कुछ कुछ ही, अब लगभग साल से भी कम बचा है, और किस तरह से विपक्षी पार्टियां भी अपना यहाँ पर तैयारियां करते हैं, गठबंधन उम्मीद करते हैं कि मतलब लोग यही जो भाजपा विरोधी हैं कम से कम यही उम्मीद कर सकते हैं कि गठबंधन गठबंधन की तरह लड़े और ये ना हो जैसे इस बार हुआ है कि सब एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार दिए थे। उसके बावजूद भी इसी बेल्ट में बीजेपी का काफ़ी ख़राब प्रदर्शन रहा। मैं शकीब माफ़ी चाहूँगा लेकिन अब मुझे यहाँ पर शो ख़त्म करना पड़ेगा, हम इस पर वापस फिर से चर्चा करेंगे। आप सभी का CCA के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शकीब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। CCA बार बार पश्चिम यूपी की ऐसी खबरें आप तक लाता रहेगा, विश्लेषण हर बार पश्चिम यूपी की बड़ी और छोटी घटनाओं पर हम CCA में अब आने वाले महीनों में करते रहेंगे। आप जुड़े रहे CCA के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।